मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शिक्षा माफिया खासे सक्रिय है। छतरपुर सिटी कोतवाली अंतर्गत किशोर सागर तालाब के पास संचालित APLL संस्था द्वारा कंप्यूटर क्लासेस कोचिंग के नाम पर छात्रों से ठगी करने का मामला फिर से गरमाया है। पूर्व में APLL संस्था के लवकुश नगर एवं चंदला शाखा को लवकुश नगर SDM राकेश परमार द्वारा सील भी किया गया था। वहीं संस्था अब छतरपुर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जहां नेटवर्क मार्केटिंग और छात्र छात्राओं को झूठा दिलासा एवं फर्जी ढंग से पैसे लिए जाते हैं और उनकी रसीद भी नहीं दी जाती है। छात्रों को कंप्यूटर सिखाने के नाम पर इस संस्था में जोड़ा गया, मगर यहां ना तो कंप्यूटर बच्चों को सिखाया गया और ना ही कोई ढंग की तालीम दी गई, बल्कि उल्टा नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और छात्रों को ठगी करना सिखाया जाता है। छात्र छात्राओं को लालच देकर दूसरे बच्चों को जोड़ने को कहा जाता है, ताकि उनसे भी पैसे ऐंठे जाएं। यहां बच्चों को गलत मोटिवेशन दिया जाता है और उन्हें अपने माता पिता और परिवार के खिलाफ भड़काने का काम इस संस्था में किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर के नाम पर चल रही इस संस्था में वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग के बहाने ठगी करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी APLL के पास कोई परमिशन नहीं है और ना ही APLL मान्यता प्राप्त है। इस संस्था के पास किसी भी प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जिला मुख्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे आखिर कैसे चल रहा है। फिलहाल छतरपुर के छात्र छात्राओं ने SDM छतरपुर के नाम पर शिकायती आवेदन दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। मेरा नाम मुस्कान अहरबार है। किशोर सागर तालाब में क्या पूरा मामला है? आप लोग कहाँ ज्ञापन देने आए थे? क्यों ज्ञापन दिए? हम लोगों को पैसे चाहिए वापस, और वहाँ पे ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं जो मतलब बोल नहीं पाते, उन्हें भी चाहिए, और बहुत से लोग आते भी नहीं हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है और ब्रांड बॉस भी होता है और फैमिली के खिलाफ भी जाने के बोलते हैं कोई लोग। हाँ, कहते हैं कि तुम वो फैमिली वाले काम नहीं करने दे रहे तो उन्हें छोड़ दो, तुम लोग अलग रहने लगो रूम में, हम करवा दे रहे हर चीज़। ये लोग करवाते हैं और कहते भी हैं। हम लोग चाहते हैं वो बंद हो जाए और हम लोग को पैसे वापस चाहिए अपने। और मुझे था 18,800। नहीं, रसीद कुछ नहीं दी उन लोगों ने। जी, मेरा नाम साक्षी पटेल है। साक्षी जी, आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आई हैं, किस प्रकार का ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? ये हमने यहाँ पे तहसील में दिया है उसके लिए कि यहाँ APLL संस्था है किशोर सागर तालाब के पास, वहाँ पे हम लोग को कंप्यूटर कोर्स का बताया गया था कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग होती है, लोगों को जोड़ो और फिर कमीशन खाओ, ऐसा था वहाँ पे। अभी क्या कहाँ आवेदन दिया है, क्यों आवेदन दिया है, क्या कार्रवाई चाहिए? हम लोगों ने तहसील में आके आवेदन दिया है और हम ये चाहते हैं कि ये संस्था बंद हो, हम सबके पैसे वापस हो और ऐसा किसी के साथ ना हो। 18,785 दिए थे हमने, पूरा कैश दिया था। कितने लोग हैं? हम 5-6 लोग हैं यहाँ पे, जिनको हम सबको पैसे अपने वापस चाहिए। लगभग कितने लोगों से ठगी हुई है? वैसे तो बहुत सारे ही लोग हैं, अब गिना नहीं जा सकता, ऐसा कह सकते हम। क्यों ये सब हो रहा है और शहर में चल रहा है, सभी के संपर्क में भी है, क्या लग रहा है, कौन मिला हुआ है, कार्रवाई नहीं हो रही? इसका तो नहीं पता, लेकिन हम वहाँ के मेन लीडर जो है वो सुरेंद्र यादव हैं, उन्हीं का ही सेंटर है। वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब जो आपका इनकम सोर्स है वो ऐसे ज़्यादातर जॉब्स है नहीं है, तो आप यही करो, आपको इनकम मिलेगा। कैसे इनकम मिलती है? कमीशन, लोगों को जोड़ना है, जोड़ेंगे, पैसा देंगे, फिर आपको कमीशन मिलेगा। क्या ऐसे आपको किसी ने जोड़ा है? हाँ। किसने जोड़ा? मुझे प्रबल कौशिक नाम के लड़के ने जोड़ा था। वो कहाँ है? उसका अभी कुछ अता पता नहीं है। आप लोगों ने जैसे मांग की है पैसों की, तो क्या बोला गया वहाँ? हम लोगों ने जैसे बोला कि हम लोग के पैसे वापस लौटा दीजिए, कुछ नहीं करना है, तो वो बोलते हैं कि नहीं देना हमें, पैसा हमारे पास नहीं रहता है, जो कुछ करना है कर लो, जिसको शिकायत करना है कर लो। थाने में शिकायत दर्ज कराई है? अभी नहीं। आज कहाँ दिया था? अगर करनी पड़ी तो हम जरूर करेंगे। आज कहाँ दिया? आज तहसील में आके आवेदन दिया है हमने।